हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको क्रोशिया से न्यू बॉर्न बेबी बॉय कैप बनाना बताऊंगी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है और अगर आप बिगनर हैं तो आप बहुत इजीली इसे बना पाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इस तरह से एक लूप बनाएंगे और उसके बाद हम बनाएंगे 1 2 3 4 फोर चेन्स हम बना रहे हैं। और फोर चेन के बाद ये जो हमारी फर्स्ट वाली चेन थी, इसमें से देखिए मैंने इसको ऊन इस पर नहीं लपेटा हुआ है, इसको डायरेक्ट मैं फर्स्ट वाली चेन से ऐसे इंसर्ट करूँगी हुक को और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दूँगी। अभी छोटा सा रिंग बन गया है हमारा। देखिए अगर हम देखेंगे ध्यान से तो इसके बीच में छोटा सा होल है। देखिए ये होल है। अब हमें लेना है 1 2 2 चेन लेंगे और जब भी हम कोई भी काउंट करते हैं नंबर तो हम ये जो 2 चेन होती है इसको भी काउंट करेंगे। तो ये हम 1 डबल क्रोशे में काउंट करेंगे। अब इसके अलावा हमें 11 डबल क्रोशे बनानी है। तो ये हमने 1 में काउंट कर दिया। अब हम बनाएंगे सेकेंड डबल क्रोशे, थर्ड डबल क्रोशे, फोर्थ डबल क्रोशे, फाइव डबल क्रोशे, सिक्स डबल क्रोशे, सेवन डबल क्रोशे, एट डबल क्रोशे, नाइन डबल क्रोशे, टेन डबल क्रोशे, इलेवन डबल क्रोशे और ट्वेल्व द लास्ट वन, ट्वेल्व डबल क्रोशे। देखिए इसी रिंग से हमने ये 12 डबल क्रोशे बनाया। अगर हम इसको बनाने के बाद आप एक बार और काउंट कीजिएगा, क्योंकि हमारे ये 12 ही रहना चाहिए, इससे एक कम या एक इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने पहले काउंट किया जो 2 चेन्स वाला था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 हमारे हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसको करेंगे स्लिप स्टिच से ज्वाइन। तो हम कैसे करना है देखिए, 1 और 2, इसके बाद जो ऊपर वाली चेन है इस तरह हम इसे क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच से इनको ज्वाइन कर देंगे। देखिए जब भी हम कोई सर्कल बनाते हैं तो हमें उसकी फिनिशिंग का खास ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम इसको करेंगे तो हमें दोनों तरफ से इक्वल आना चाहिए। देखिए जैसे सर्कल आया तो हमारा हर बार सर्कल बिल्कुल इक्वल आया, उसके लिए हम क्या करेंगे देखिए, हम यहाँ बनाएंगे 2 चेन्स, यानी कि हम इसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं, इतनी हमें लेंथ रखनी है। इसके बाद जो देखिए जहाँ पर हमने 2 चेन्स बनाई है इसको हम काउंट करेंगे और उसके बाद ये जो हमारा ये है देखिए, इसके बिल्कुल बराबर से जो चेन है वहाँ से हमें डबल क्रोशिया निकालनी है 2 टाइम्स, यानी कि अब हर जो भी चेन होगी उसमें से हमें 2 टाइम्स निकालना है। अभी ये 1 रहा है, इसके साथ कोई नहीं है, अभी हम इसे नहीं काउंट करेंगे, 2 नहीं है ये। जब हम लास्ट में ख़त्म करेंगे तब इसके साथ वो जो दूसरा 1 आएगा वो मिलाकर इसको 2 हो जाएंगे। तो अभी हमें इसमें से 2 टाइम्स निकालनी है डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट जो चेन है देखिए ये वाली, इसमें से भी हमें 2 टाइम्स निकालना है, 1 एंड 2। और जो नेक्स्ट चेन है वहाँ से भी 2 टाइम्स निकालना है। हमें पूरे सर्कल से 2 टाइम्स ही डबल क्रोशिया निकालना है। इसी तरह से हमें ये जो सेकेंड राउंड है वो कंप्लीट कराना है। फर्स्ट राउंड में हमने 12 डबल क्रोशे लिए हैं, सेकेंड राउंड में हर चेन में से हम 2 टाइम्स निकालेंगे डबल क्रोशिया, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से तो 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस वाली रो में। तो चलिए इसे पहले कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हमने सेकेंड राउंड कंप्लीट किया है और आ गए हम इस तरफ। तो मैंने आपको स्पेशली दिखाने के लिए इसको थोड़ा स्टॉप किया है अभी, कि जो हमने ये बनाई थी ना 2 चेन्स, तो ये सिंगल थी, हमें हर जो चेन में से निकालने थे 2 टाइम डबल क्रोशे, तो ये तो हमारी सिंगल डबल क्रोशे थी। तो हम ये जो ये वाली चेन आएगी हम यहाँ से निकालेंगे डबल क्रोशे 1 टाइम, और हमारी जो ये वाली डबल क्रोशे है 1 टाइम और प्लस ये चेन, तो ये दोनों मिला के डबल क्रोशे हो जाएंगे, ठीक है, 2 टाइम्स हो जाएंगे, ये भी हमारे 2 ही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हम ऊपर 2 चेन्स लेंगे। इसके बाद हमें करना है कि जो बिल्कुल इसके बराबर से देखिए यहाँ पे प्लेस है, यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट चेन है यहाँ से बिल्कुल इसके बराबर से रहती है फर्स्ट चेन, हमेशा ध्यान रखना, इसे स्किप करके यहाँ से नहीं लेना है आपको, हमेशा यहाँ से लेना है। तो यहाँ से हमें लेंगे 1 डबल क्रोशे
वन चेन में से और उसके बाद नेक्स्ट चेन में से टू डबल क्रोशे। यानी अब आपको थोड़ा पैटर्न थर्ड रॉ में चेंज करना है कि एक चेन में से एक टाइम डबल क्रोशिए और नेक्स्ट वाली चेन से टू टाइम्स। यहाँ से हमने वन लिया, यहाँ पे टू लिया, अब फिर हम वन लेंगे यहाँ पर डबल क्रोशिए और नेक्स्ट चेन से हम लेंगे टू टाइम्स। देखिए वन और टू टाइम डबल क्रोशिए। इसी तरह से हमें ये वाला राउंड कंप्लीट करना है। देखिए पहले हमने जो हमारी चेन थी ये वाली, इसके बराबर से वन टाइम लिया डबल क्रोशे, फिर टू टाइम लिया, फिर वन टाइम लिया और फिर इस चेन से टू टाइम। तो अब हम लेंगे वन टाइम डबल क्रोशे और नेक्स्ट वाली चेन से हमें लेना है टू टाइम डबल क्रोशे। इसी तरह से हमें ये वाला राउंड भी कंप्लीट करना है। देखिए हमारा ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मैंने आपको इसलिए दिखाने के लिए छोड़ा है, देखिए ज्वाइन करने से पहले कि हमने जो ये हमने टू चेन्स बनाई थी, इसके पहले वाली चेन में हमने एक डबल क्रोशिया लिया था और अब हमें क्या करना था, एक डबल क्रोशिया उससे के नेक्स्ट जो था डबल क्रोशिया लेने थे टू एक ही जगह से। अब देखिए यहाँ पर बने तो जाहिर है यहाँ पर हमारे टू आने चाहिए, तो टू कैसे आएंगे, वो इस तरह से आएंगे। देखिए हमारी टू डबल क्रोशिया है, ये वन हमने डबल क्रोशिया लिया। अब ये वाली जो चेन है यहाँ से हम एक और डबल क्रोशिया लेंगे यहाँ से, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगी टू। देखिए यहाँ पर टू थी, अगर आप ध्यान से देखेंगे एक ही जगह से ये वन हुई और यहाँ से अगर मैं एक सिंगल क्रोशिया लूँगी तो वो इसके साथ मिलके डबल हो जाएगी। तो देखिए ये चेन यहाँ पे प्लेस छूटा हुआ है ऐसे और इसको हम देखें यहाँ से लेंगे इस तरह से और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो ये डबल क्रोशिया हो जाएगा। देखिए इस तरह से अब हमें इस सर्कल को कंप्लीट करना है, जब तक ये है जो हमारा ये जो है ये सर्कल है वो हमारा 4 इंच का नहीं हो जाता है। देखिए अभी अगर मैं इसको नाप के दिखा रही हूँ तो अभी हमारा 3 इंच का हुआ है, ठीक है, जब तक हमारा ये 4 का नहीं हो जाएगा जब तक हमें इसी तरह से इसको करना है। लेकिन हमें क्या ये ध्यान रखने वाली बात है हमें कि जब हम नेक्स्ट वाली रॉ करेंगे तो अभी हमने लिया था 1 सिंगल चेन और नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब हमें लेना है, पहले तो हमें इसमें लेना है 1 डबल क्रोशिया 1 चेन में, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया और जो हमारी नेक्स्ट वाली चेन है 2 सिंगल डबल क्रोशिया चलेंगी हमारी, यानी कि 2 चेन्स में 1 1 डबल क्रोशिया चलेंगे और उससे नेक्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन से हम निकालेंगे इस तरह से। फिर जो नेक्स्ट वाली हमारी देखिए चेन आएंगी, 2 चेन्स में हम एक एक बार ही डबल क्रोशिया निकालना है 1 और इसमें नेक्स्ट चेन में भी 1, फिर नेक्स्ट वाली चेन में हमें लेना है 2 डबल क्रोशिया 1 एंड 2। इसी तरह से हमें ये रॉ कंप्लीट करनी है, यानी कि पहले हमने लिया था 1, देखिए हमने लिया था 1 डबल क्रोशिया फिर उसके एक ही चेन में से 2 टाइम्स डबल क्रोशिया लिया था, लेकिन जो हमारी थर्ड वाली रॉ है हमने उसमें से बीच की एक एक चेन में देखिए 1 1 डबल क्रोशिया लिया है, फिर 2 डबल क्रोशिया की जगह से, फिर 1 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन से हमें एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम इसे बढ़ाएंगे, देखिए 1 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया एंड नेक्स्ट चेन से 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से देखिए अगर हमें अपना कितनी भी बड़ी हैंड बनानी है तो हमें उसका जो सर्कल है इसके अकॉर्डिंग ही बढ़ाएंगे। अगर हम नेक्स्ट वाली रॉ कंप्लीट करेंगे इसकी बनाएंगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बीच में 3 जो है डबल क्रोशिया लेंगे सिंगल सिंगल अलग अलग और फिर जो फोर्थ वाली चेन होगी उसमें से हम 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो इसी तरह से आप जो है अपना सर्कल बढ़ाते जाएंगे, कितना भी बड़ा आप बना सकते हैं। तो अभी हमने बना दिया 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद हमें बनाने हैं 1 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में हमें बनाना है 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह हम इसको राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने इस सर्कल को बना लिया है, जब तक कि ये हमारा देखिए सर्कल है ये 4:15 या 4:30 तक, अगर आपके ये होता है अगर बनाने का पे डिपेंड करता है कि आप थोड़ी जो ये जो डबल क्रोशिया बना रहे हैं थोड़ा ऊंचा बना रहे हैं या छोटा बना रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा। लेकिन आप इसकी जो ये है देखिए इसको आपको जो सर्कल की लेंथ है वो आपको रखनी है 4:30 या 4:15 या 4:30 होना चाहिए आपका, ठीक है। अब हमारे ये बिल्कुल रेडी है, अब हमें इसे बनाने के लिए
हमें इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें हर चेन में से एक एक बार ही डबल क्रोशे निकालनी है। तो अब हमारा ये कोई भी ये बढ़ेगा नहीं कि किसी चेन से हमें टू टाइम्स निकालना है, हमें हर चेन से वन वन टाइम ही ये डबल क्रोशे निकालना है। देखिए इस तरह से वन टाइम और यहाँ पर वन टाइम, हर चेन में से वन टाइम डबल क्रोशे हम निकालते जाएंगे, क्योंकि हमें जितना बढ़ाना था उतना हमने बढ़ा लिया है। अब हमें लेंथ बढ़ानी है अपनी कैप की, तो हम वन वन टाइम डबल क्रोशे हर चेन से निकालेंगे। तो इसको हम जब तक बढ़ा लेंगे जब तक इसकी लेंथ हमारी 5 और 6 इंचेस नहीं हो जाती। यहाँ से मिलाकर देखिए, यहाँ से ये जो इसका सेंटर है, यहाँ से मिलाकर पूरी लेंथ हमारी 5 या 6 इंचेस नहीं हो जाएगी, अब तक हम हर चेन में से वन वन टाइम डबल क्रोशे निकालेंगे। लेकिन हमें ज्वाइन करने का तरीका वही रखना है, यहाँ से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और जब हम नेक्स्ट रॉ बनाएंगे तो हमें 2 चेन्स ऊपर करके बनाना है, तभी स्टार्ट करना है। इसी तरह से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा हर रॉ को। तो चलिए हम इसे कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। तो देखिए हमारी कैप रेडी हो गई है। मुझे बनानी थी ये 6 इंच लंबी, लेकिन मैंने इसे 1 इंच पर थोड़ा रोक दिया है क्योंकि मैं दूसरे कलर का बॉर्डर बना रही हूँ। और हमने जब ये बनाया था तो ये हम जो हमारे 2 इंच है, 2 इंच तक हमने इसको बढ़ाया था जब हमारा सर्कल बनाना था। उसके बाद हमने बिल्कुल इसको प्लेन बुना है, हर चेन में से एक ही टाइम हमने लिया है। तो अगर आपको ये दूसरा बॉर्डर लगाना है, अगर आपको नहीं लगाना है तो आप सिंपली आपको ये कैप बनानी है तो आप 1 इंच और बड़ा बना देते, यानी कि 1 रॉ और बना देते तो आपकी कैप कंप्लीट होती, या फिर 2 रॉस बना सकते थे। मुझे इसमें लगाना है दूसरे कलर का, तो इसको हम देखिए ज्वाइन करते हैं। ये ज्वाइन करना मैंने आपको पहले ही बताया है मैजिक नॉट से। इस तरह से आपने देखिए ये दोनों को इस तरह से ये करेंगे, जो सेम कलर का ऊन है इसको इस तरह से हम यहाँ पे टाई कर देंगे और दूसरे वाले इसको इस तरह से कर देंगे। अगर हम इस तरह से नॉट लगाएंगे तो ये एकदम परफेक्ट आएगी और इसमें कोई देखिए। फिर हम इन दोनों इसको ऐसे करके खींचेंगे जहाँ तक हम खींच सकते हैं। जब ये टाइट हो जाएगा तो इसको बिल्कुल हम कॉर्नर से इसको कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये नॉट लग जाएगी और ये हमारी टाइट रहेगी, हमें ये लूज नहीं होगी। तो इसको हम कर रहे हैं कंप्लीट और मैं इस पर इसी का बॉर्डर बना रही हूँ। देखिए इसे हम यहाँ कर लेंगे इस तरह से टाई और 1 2 3 3 बनाने के बाद हम हर चेन पर मैं सिंगल लूँगी। लेकिन मैं थोड़ा बॉर्डर बना रही हूँ तो थोड़ा क्रिएटिव हम ऐसे करेंगे, 1 जो ये हमारी ये वाली डबल क्रोशिया इसको फ्रंट से और 1 को मैं बैक से ले रही हूँ। थोड़ा सा इस तरह करने से जो हमारा बॉर्डर है ना थोड़ा हल्का सा टाइट रहता है, स्ट्रेचेबल, टाइट नहीं होता मतलब स्ट्रेचेबल रहता है कि अगर बेबी पहनेगा तो उसको खींच जाएगा, वैसे वो लूज नहीं रहेगा, तो बेबी के हेड के अकॉर्डिंग उस पर सेट आ जाएगा। तो एक जो डबल क्रोशिया आप फ्रंट से लीजिए और एक बैक से, इसी तरह से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे और 2 राउंड में हमारा ये बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए इस तरह से हमने 1 रॉ कंप्लीट कर लिया। अब इसको हम कर देंगे इस तरह से ज्वाइन और दोबारा से 1 2 हम बना लिए 3 ये। और देखिए जो हमने फ्रंट से लिया था ना वो फ्रंट से ही लेंगे, हमें इतना ध्यान रखना है, जो हमने फ्रंट से लिया फ्रंट से, जो हमने बैक से लिया था उसको हम बैक से ही लेंगे। इस तरह से हमारा ये बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फिर हमने ये फ्रंट से लिया था इसको फ्रंट से लेंगे और इसको हमने लिया था बैक से तो इसको हम बैक से लेंगे। इसी तरह हम ये वाला जो हमारा रॉ है इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए हमने ये बॉर्डर बना लिया है और इससे ये जो हमारा कैप था उसका जो बॉर्डर है हल्का सा आपको टाइट ऐसे नज़र आ रहा है, लेकिन ये स्ट्रेचेबल है। देखिए ये आराम से स्ट्रेच हो जाता है, देखने में अट्रैक्टिव लगता है। आपको अगर कलरफुल नहीं बनाना है तो आप सेम जो भी आप ऊन से इस्तेमाल करें उसी से आप इस तरह का बॉर्डर बना देंगे तो थोड़ा ये स्ट्रेचेबल बन जाएगा, तो बेबी के हेड के अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा कैप। अब आपको ये जो आपका बचा हुआ है इसको करने के लिए आपको देखिए ये जो आपकी चेन है, ये जो एज आ रही है ना, इसमें से आप इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और ये जो आपका वूल है इसको इस तरह निकालेंगे, आप नेक्स्ट चेन में से डालेंगे, इसी तरह आप इसको करते जाएंगे तो ये आपका फिनिशिंग से जहाँ तक भी आपका ये जा रहा है ना ऊन उसको हाइड हो जाएगा आराम से। इसलिए इस तरह से हम इसको पूरा हाइड कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने ये पॉम पॉम बनाया था, इसके
एच पे लगाने के लिए। देखिए यहाँ पर इस तरह इसके टू पार्ट्स है ना, इस तरह से हम एक साइड से इसको डालेंगे, फिर दूसरे साइड से डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये सुंदर सी न्यू बॉर्न बेबी कैप बनकर तैयार हो गई है। आई होप आपको इसको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं फिर एक न्यू और अट्रैक्टिव से और इजी से वीडियो के साथ। बाय।